Objection, Your Honor! ये तो प्यार हो गया आपको के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं भोली पंजाबन यानी कि एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का लेटेस्ट फोटोशूट, जिसमें वो अपने स्टाइल और ग्लैमर अंदाज में नजर आ रही हैं। ऋचा ने ये फोटोशूट लेटेस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए लेकर आया है। टेक अ लुक। हाय गाइस, दिस इज ऋचा चड्ढा। Power in this one, which I really enjoyed. And we all had a great time today. आइए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ और लेटेस्ट खबरें फटाफट अंदाज में। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को मलेशिया में रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं मिली है। मलेशिया नेशनल फिल्म सेंसरशिप बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि फिल्म की कहानी इस्लाम से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को छूती है, जो मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश के लिए चिंता का विषय है। बीते जमाने की मशहूर अदाकारा जीनत अमान ने मुंबई के एक बिजनेसमैन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल जीनत ने बिजनेसमैन पर पीछा करने और धमकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपी लापता है। खबर है कि फिल्म ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने के बाद सलमान और कबीर खान की दोस्ती में दरार आ गई है। सलमान कबीर के साथ काम करने से बच रहे हैं। कबीर ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन सलमान ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके बाद कबीर ने रणवीर सिंह को साइन कर लिया है। बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने अब शाहरुख को ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी लिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। एक मीटिंग में उन्होंने शाहरुख को फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई, हालांकि शाहरुख ने फिल्म को हाँ नहीं कहा है। रानी मुखर्जी करण जौहर के शो में अपनी फिल्म हिचकी का प्रमोशन करने के लिए आने वाली थी। रानी शूटिंग के लिए तैयार भी हो रही थी, लेकिन अचानक उनकी पीठ में दर्द होने लगा। उनका दर्द काफी बढ़ गया, इस वजह से वो बिना शूट किए ही वहां से निकल गई। वरुण धवन का वैक्स स्टैचू लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। इस मौके पर वरुण धवन ने अपने पूरे परिवार के साथ म्यूजियम में पहुंचकर वैक्स स्टैचू के साथ पोज दिया। हाल ही में हांगकांग की टीम ने वरुण का नाम लिया था, जिसके बाद उनका स्टैचू तैयार किया गया है। महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर बॉलीवुड फिल्म मेकर नईम ए सिद्दीकी की फिल्म हे राम हमने गांधी को मार दिया का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। फिल्म में गांधी के हथियारों और विचारधारा के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपने दीपिका पादुकोण का पद्मावत अवतार तो देख लिया, लेकिन अब उनकी नकल करते हुए टीवी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा ने तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो पद्मावत अवतार में नजर आ रही हैं। करिश्मा ने ये तस्वीरें दीपिका पादुकोण को डेडिकेट की हैं। सपना चौधरी अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली हैं, जिसमें वो अभय देओल के साथ नजर आएंगी। सलमान खान के बारे में सपना ने कहा है कि वो किसी की बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन उन्हें कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने खुलासा किया है कि उनकी शॉर्ट फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रुथ को ऑनलाइन मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रामू ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि वो जल्द ही GST 2 को लेकर आएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। Objection, Your Honor!